स्वागत है आपका क्रिकफ्लिक्स हेडलाइंस में। आज की पहली खबर है कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज को खरीदा गया है। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने गुरबाज को अपनी टीम में शामिल किया है और अपनी टीम में खरीदा है। आपको बता दें कि गुरबाज अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ आईपीएल में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। दूसरी खबर यह है कि इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोरपे का निधन हो चुका है। ग्राहम थोरपे की बात करें तो अपने जमाने के बड़े मशहूर बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहे हैं और 100 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने इंग्लैंड के लिए। इससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा ख्याति है उनकी क्रिकेट के जगत में। अगली खबर है कि रियान पराग और हर्षित राणा ओडीआई में डेब्यू कर सकते हैं। रियान पराग की काफी टाइम से चर्चे में है कि भाई ओडीआई में डेब्यू करें, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन पहले और दूसरे मुकाबले में आपको पता है कि क्या हुआ। पहला मुकाबला ड्रॉ पे खत्म हुआ, दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया। लेकिन अब हर्षित राणा डेब्यू करेंगे और रियान पराग को शिवम दुबे की जगह मौका मिलेगा ओडीआई में डेब्यू करने का। पृथ्वी शॉ ने वनडे कप में खेली ताबड़तोड़ पारी। उन्होंने नॉर्थहैम्पटन शायर की तरफ से अर्धशतकी पारी खेली। एक तरफ से विकेट गिरते ही जा रहे थे, लेकिन पृथ्वी शॉ टिके हुए थे और कमाल की पारी खेली। जब जब लोगों को लगता है कि पृथ्वी शॉ का करियर अब खत्म होने वाला है, तब तक पृथ्वी शॉ आते हैं और अपने बल्लेबाजी से एक स्टेटमेंट देकर जाते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ को काफी टाइम से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है और दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें अपनी प्लेइंग 11 से दरकिनार कर रही है आईपीएल में। लेकिन क्या पृथ्वी शॉ इस पारी के जरिए टीम इंडिया वापसी कर सकते हैं या फिर नहीं, ये चीज देखने वाली है। और अगली खबर है कि डिंडीगुल ड्रैगन्स ने टीएनपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है और ये इतिहास में पहली बार हुआ जब डिंडीगुल ड्रैगन्स ने टीएनपीएल जीता है। इसके कप्तान थे अश्विन, उन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेली और हैट्रिक भी ली और अश्विन ने फाइनली अपनी टीम को जिता दिया टीएनपीएल का खिताब। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।